अच्छा जी, तो हमें हमारा एरर सॉल्व हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अच्छा, अब हमने जब इसे रन किया है तो ये देखिए हमारे पास आ गया ड्रॉप डाउन मेन्यू, आ गया इंसर्शन, डिलीशन, सर्च और डिस्प्ले के लिए। सबसे पहले हम अपना ट्री डिस्प्ले कराते हैं। फोर्थ मैंने प्रेस किया है तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर हमारे पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो फिर अब मैं वन प्रेस करती हूँ और इंसर्ट करवाती हूँ 56, ठीक है। और फिर मैं फोर प्रेस करके डिस्प्ले कराती हूँ तो ये देखिए हमारे पास प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर सब क्या है, 56 है। अब मैं वापस वन प्रेस करती हूँ और इंसर्ट करवाती हूँ 45, और फिर वन प्रेस करती हूँ और इंसर्ट कराती हूँ 67। तो मैंने 156 से बड़ा और 156 से छोटा इंसर्ट कराया। तो अब मैं वापस फोर प्रेस करके डिस्प्ले करा के दिखाती हूँ। अब आप ये देखें प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या है, 56, 45, 67, फिर 45, 67, 56, फिर 45, 56 और 67 इन ऑर्डर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो सबसे पहले हमने इंसर्ट कराया था वो क्या था, 56। इन ऑर्डर में हमारे पास रूट, उसका लेफ्ट और उसका राइट नजर आ रहा है, ठीक है। प्री ऑर्डर में हमारे पास क्या हो रहा है, प्री ऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले रूट आई थी, फिर हमारे पास जो है 45 इंसर्ट हुआ था, फिर 67 इंसर्ट करवाया था ना हमने। तो ये हमारे पास सिंपल जिस तरह से हमने इंसर्शन करवाई है प्री ऑर्डर में हमें यूँ दिखाया जा रहा है। पोस्ट ऑर्डर में हमारे पास क्या दिखा रहे हैं हमें, 56, 67 और 45। मतलब ये आप देख सकते हैं क्लास, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ये तीन चीजें हमारे पास शो हो रही है। ये हमारे पास रूट थी 56 और ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हमारे पास आ गया। अब हम डिलीट अगर करवाते हैं टू, अगर मैं डिलीशन करवा रही हूँ तो मैं 67 अगर डिलीट करवाती हूँ तो वो 67 डिलीट हो गया होगा। और अब मैं चेक करवाती हूँ आपको, ये देखें 67 डिलीट हो गया है, ठीक है। अब अगर मैं सर्च करवाती हूँ थ्री प्रेस करके, तो थ्री प्रेस करके मैं अगर सर्च करवाती हूँ 45, तो वो एलिमेंट 45 इज फाउंड। अब अगर मैं फिर से सर्च कराती हूँ और मैं 67 लिखती हूँ जो कि मैं डिलीट कर चुकी हूँ, तो उस वो नॉट फाउंड है, लेकिन उसने सर्च करके नहीं दिया वो नॉट फाउंड का, मैं उसको मैसेज देना भूल गई हूँ, लेकिन ये नॉट फाउंड है, तभी तो उसने फाउंड नहीं किया ना, तो यहाँ पे नॉट फाउंड आना चाहिए था। वो मैसेज देना मैं भूल चुकी हूँ, वो मैं भूल गई थी। 45 का फाउंड हो गया है तो 45 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा है बेसिकली बाइनरी सर्च। ये कोड आप करके देखें, इसे समझें, ये बाइनरी सर्च ट्री का काम है। मैंने अलग अलग फंक्शन नहीं बनाए, मैंने एक मैंने अलग अलग फंक्शंस में काम किया, लेकिन अलग अलग तरीके से टास्क सॉल्व नहीं किया, मेन्यू ड्रिवन कोड बना दिया। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस पूरे कोड को मेन्यू ड्रिवन नहीं करना। मैंने एक ही कोड बना के मेन्यू ड्रिवन कर दिया है, लेकिन आपने मेन्यू ड्रिवन नहीं करना। आपने इंसर्शन, इंसर्शन के लिए ये वाला सारा काम, ठीक है, सर्च और डिलीशन, सर्च के लिए ये वाला काम और डिलीशन, डिलीट के लिए ये वाला काम सारा। मैं इसीलिए स्टॉप कर करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोड नजर आता जाए आराम से। डिलीट नोट और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर के लिए ये सब काम आपको डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर अलग से करवाना है, ठीक है। ये मैंने फिर आपको मेन्यू ड्रिवन काम नहीं करना। आई होप आप लोगों को बाइनरी सर्च ट्री की कोडिंग समझ में आ गई है कि बाइनरी सर्च ट्री कैसे काम कर रहा है। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है तो आप मुझसे क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं।